जो क्राइम है उसकी मेन जो रूट है ड्रग्स। विक्टिम किसी किसी घर में है, कल आपकी घर में भी आ सकता। हम ऑनेस्टली बता रहे हैं, पब्लिक का रिस्पॉन्स थोड़ा पूरा है। जो HIV एड्स है आप सभी को मालूम है, ईटानगर जो अभी इंक्रीजिंग का भी एक ड्रग्स की रीजन है। आज सभी को अवेयर है, आज के दिन है, ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिक। इसके चलते वीक लॉन्ग अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग चलाया है। पास्टली हम एक स्पोर्ट इवेंट कंडक्ट किया था चिंपू ग्राउंड में, उसमें हम सभी जो विक्टिम है, विक्टिम ऑफ सब्सटेंस अब्यूज का, उसके बीच में हम उन लोग के बीच में हम एक स्पोर्ट इवेंट चलाया था, सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद यस्टरडे फिर हम एक ड्राइंग कंपटीशन करवाया, इसमें अराउंड 47 पार्टिसिपेंट रहा। तो आज का दिन है जो इंटरनेशनल डे है अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज के, इस दिन में आज सुबह हम आपको विटनेस है, सुबह हम एक रैली चलाया आकाशदीप से लेके यहाँ तक तना तक। तो मेन टारगेट क्या है कि ये रैली अवेयरनेस का विरोध क्यों पड़ा अरुणाचल, खास करके ईटानगर एरिया में? एक्चुअली ये साल की जो इंटरनेशनल डे जो अगेंस्ट ड्रग्स एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग की मेन थीम रहा कि एविडेंस इज क्लियर एंड इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन, तो उसको चलते ईटानगर को कैपिटल पुलिस की ओर से इसकी एक रिफॉर्म एक कमिटमेंट है, अनवेवरिंग कमिटमेंट है कि हम कैपिटल को ड्रग्स फ्री बनाएं। इसके चलते हम मेरा एक एक्शन है और इस एक्शन में पब्लिक की कोऑपरेशन की जरूरत है कि हम अपना जो मिशन है उसको हम बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। तो हम सभी जो विक्टिम्स लोग हैं और सभी यूजर लोग से, एडिक्ट्स लोग हैं, उन लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके पास कुछ भी अगर दिक्कत है, कुछ भी ग्रीवेंसेस है, तो आप मेरा तना में आके, हर तना में एंटी ड्रग्स कॉर्नर खुल के रखा हुआ है, आप जाके वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको वहाँ में ऑफिसर रहेगा, ऑफिसर जो आपको रिहेबिलिटेशन की डी एडिक्शन प्रोग्राम के बारे में बताएगा। रिहेबिलिटेशन के अलावा कानूनी कार्रवाई भी आप लोग कर रहे हैं ना? हाँ, जो मेन फेडलर है, मेन फेलर को हम एज ए लीगल प्रोसीडिंग किया जाता है। जो यूजर लोग है, एडिक्ट लोग है, इसे हम एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच लेके उसका हम अवेयरनेस कैंपेन देते हैं। सर, ये इसमें ड्रग के थ्रू से HIV की स्प्रेड भी होती है, क्या क्या कहेंगे आप सर ये ड्रग्स? देखिए, ड्रग्स जो जितना ईटानगर में एज पर माई ऑब्जर्वेशन जो क्राइम है उसकी मेन जो रूट है ड्रग्स, जो HIV एड्स से आप सभी को मालूम है, ईटानगर जो अभी इंक्रीजिंगली बढ़ रही है, तो उसमें कि उसका भी एक ड्रग्स की एक रीजन है। और सभी जो पेटी क्राइम से स्ट्रीट क्राइम है वो भी ड्रग्स से जुड़ा हुआ है। तो इसके चलते हम बहुत सीरियस है इसके विषय पर, और पब्लिक से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप भी लाइन पर आ जाइए, हम ताकि हम साथ में सभी CBO से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, स्टूडेंट यूनियन से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सभी साथ में मिलके ये हर कोने से, हर वार्ड से, हर कॉलोनी से हम ये मुहिम शुरू किया जाए। सर, लोन IG पार्क जो है उसमें भी काफी ज्यादा ऐसे केसेस आते हैं, आप क्या कहेंगे कि रात को वहाँ पे डार्क जो एरिया है IG पार्क में वहाँ ज्यादा रहते हैं, आपकी तरफ से, पुलिस की तरफ से कुछ वहाँ पे नाकाबंदी करनी चाहती है? हाँ, पुलिस की तरफ से रिसेंटली भी हम मेरा ईटानगर PS 4 आदमी को हम लोग डिटेन किया गया था, जुबिनाइल था। हम मानते हैं कि वहाँ पे कोई कोई जुबिनाइल लोग और ड्रग्स यूजर लोग आके वहाँ में ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। तो इसमें भी हम पब्लिक से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन है आपके पास में
आप प्लीज तुरंत हमें बताइए ताकि हम एक्शन ले सके। सर कैपिटल पुलिस लास्ट दो तीन साल से ये जो ड्रग्स अगेंस्ट जो ये है मुहिम चला रहा है, तो अभी तक का पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसे हो रहा है? हम ऑनेस्टली बता रहे हैं पब्लिक का रिस्पॉन्स थोड़ा पूरा है, थोड़ा एज पर एक्सपेक्टेशन मैंने नहीं, तो पब्लिक से इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आज विक्टिम किसी घर में है, कल आपकी घर में भी हो सकता है, तो इसलिए आप भी सतर्क रहिए और हमें कोऑपरेशन दे दीजिए।